नमस्कार। तो सोशल मीडिया पर बरनोली लखनऊ एक्सप्रेस का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में टीटी जो है एक व्यक्ति की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक करके वो कई सारे थप्पड़ उस व्यक्ति के मारता है और उसके पास में बैठे यात्रियों की मदद से न्यूज फाउंडेशन ने बताया कि जो टीटी और उस व्यक्ति के बीच में कुछ बात को लेकर बहस हो जाती है, जिसके बाद बस भाई टीटी लगातार एक के बाद एक करके उस व्यक्ति के थप्पड़ मारता है। व्यक्ति बार बार कहता भी रहता है कि आखिर सर मेरी गलती क्या है, लेकिन नहीं, टीटी बार बार उसके थप्पड़ मारता रहता है। वहां पर सारे मौजूद व्यक्ति बैठे रहते हैं, सब देखते रहते हैं, जिसके बाद एक औरत भी कहती है सर अब रहने दीजिए, अब हो गया। टीटी नहीं सुनता, टीटी मारता रहता है। एक व्यक्ति ने इसका एक पूरा वीडियो बना लिया। लास्ट में ऐसा देखने को मिला कि जो वीडियो बना रहा होता है टीटी उस व्यक्ति को देख लेता है और शायद उससे फिर मोबाइल छीनता है, क्या करता है, आगे का वीडियो नहीं था। वीडियो बस इतना था जिसमें वो एक के बाद एक करके उस व्यक्ति के थप्पड़ मारता है। व्यक्ति ज्यादा उम्र का नहीं लगता, वो लगभग 20-25 साल का एक व्यक्ति लगता है, मतलब काफी उम्र का नहीं था। पर लेकिन क्या किसी सरकारी अधिकारी को इस तरह की इजाजत मिल जाती है कि वो किसी के सरेआम किसी व्यक्ति के ऐसे थप्पड़ मार सकता है? हम उस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि टीटी उस व्यक्ति के बाद एक करके थप्पड़ मार रहा है। शुभम शुक्ला सहित काफी यूजर्स ने ट्विटर पर अश्वनी वैष्णव सहित नॉर्थन रेलवे को टैग करा है और इस मामले पर एक्शन लेने के लिए कहा है। हालांकि वीडियो के बारे में एक और बार बताता हूं, मैं पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि ये नहीं पता कि किस चीज का वीडियो था, पर लेकिन रीजन यही बताया गया है कि इन दोनों के बीच में कोई बहस हो गई थी जिसको लेकर टीटी ने उस व्यक्ति के इतने सारे थप्पड़ मारे। मामला बरनोली लखनऊ एक्सप्रेस का है। हालांकि इस पूरे मामले के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर।